हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा मैंने वादा किया था, मैं स्टैटिक पोर्शन का टॉपिक वाइज कंटेंट लेकर के आऊँगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और सबसे पहला चैप्टर हम करने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सिंधु घाटी की सभ्यता तो पढ़ ली होगी अच्छा से, अच्छा सब समझ गए होंगे और उसके कुछ क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किए होंगे। तो चलिए, इसमें मैं लेकर आ रहा हूँ डिफिकल्ट से लेकर के वेरी डिफिकल्ट स्तर के कुछ प्रश्न। इजी प्रश्न में नहीं होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसी है तैयारी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अपने पास पेन और पेपर जरूर रख लीजिएगा ताकि आप उसको मार्क कर सकें। मैं कुछ समय दूंगा, उसमें मार्क कर लीजिएगा और सबसे अंत में आप कैलकुलेट कीजिएगा आपने टोटल 50 में से कितने प्रश्नों के आपने सही जवाब दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न आने वाला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है सुरकोटदा, फिर है बनावली, सी नंबर है लोथल, डी नंबर है कालीबंगा और ई नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप समझ लीजिए क्या इसका जवाब होगा। आपने जवाब दे दिया है, चलिए इसका सही जवाब मैं बताता हूँ। इसका सही जवाब है दोस्तों सुरकोटदा। इसका क्या सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा सुरकोटदा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुरकोटदा कहाँ है दोस्तों। सुरकोटदा गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए सेकंड प्रश्न आ रहा है आपके सामने। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन है सेल खड़ी, जिसको स्टीटाइट कहते हैं, कांसा, तांबा, लोहा या नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा सही जवाब, सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सेल खड़ी। इसका सही जवाब क्या होगा, ए, सेल खड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीन आपके सामने आ रहा है, हड़प्पा वासी किस वस्तुओं के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम, मतलब फर्स्ट थे, सबसे बेस्ट थे वो। नंबर ए ऑप्शन है मुद्राएं, फिर है कांसे, कपास, जौ या उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या होगा दोस्तों जवाब, सोचिए। दोस्तों इसका सही जवाब होगा कपास, कॉटन। कॉटन में हड़प्पावासी नंबर वन थे। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर चार आ रहा आपके सामने, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित समतावादी, दास श्रमिक, वर्ण आधारित, जाति आधारित या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सोचिए, आपने मार्क कर लिया दोस्तों। इसका सही जवाब होगा उचित समतावादी। इसका सही जवाब है उचित समतावादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, फिर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक या फिर सी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र या उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या होगा जवाब, आप सोचिए। आपने मार्क कर लिया, चलिए इसका जवाब मैं बताता हूं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इस चार वर्गों में हड़प्पाकालीन समाज विभक्त था। तो ऑप्शन था बी इसका सही जवाब। ठीक है, आगे प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर छह आपके सामने, मेरा प्रश्न नंबर छह, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। जो उसका जो एरिया होता था किसी भी शहर का, वो कैसा एरिया होता था, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार या कोई नहीं या एक से अधिक। क्या होगा जवाब, सोचिए। आपने मार्क कर लिया जी, इसका जवाब होगा, मैं बताता हूँ, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। जी, ट्रायंगल शेप का होता था इसका, क्योंकि जो साइटाडल होता था वो ऊंचा जगह पे छोटा होता था और जो लोअर टाउन होता था वो बड़ा होता था, तो एक ट्रायंगल का शेप बनाते थे। क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने आ रहा है, हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। मतलब जो ब्रिक्स होते थे, ईंट होते थे, उसमें डिजाइन किया हुआ है, वो कहाँ से मिला है हमको। ऑप्शन है कालीबंगा, चनहुद्रो, बनावली, मोहनजोद्रो
या उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। क्या होगा जवाब सोचिए दोस्तों, इसका जवाब मैं बताने जा रहा हूं। इसका जवाब है कालीबंगा। कालीबंगा में ईंटों में अलंकरण मिला है, और कालीबंगन कहां है? कालीबंगा है राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि हड़प्पा स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुद्दों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, मतलब ये कौन सा इसमें से पशु है जिसका सबसे ज्यादा जितना भी इंस्क्रिप्शन मिला है हमको उत्खनन हुआ है उस पर उसका चिन्हित है। ऑप्शन आपके सामने है, ए नंबर शेर है, बी नंबर घोड़ा है, सी नंबर बैल है, डी नंबर हाथी है, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जवाब सोचिए। आपने मार्क कर लिया जी, इनका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बैल। बैल का सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन मिला है, बैल का इसमें चित्र बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने आ रहा है, ये रहा। हड़प्पा कालीन स्थल मांडा किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है मांडा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी, डी सिंधु, या उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या होगा जवाब सोचिए। आपने मार्क कर लिया जी, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चेनाब। यदि मैं पूछूं कि यह मांडा कहां पर है, भारत में किस राज्य में पड़ता है या पाकिस्तान में है, तो जनाब यह पड़ता है जम्मू में। जम्मू में, भारत के जम्मू कश्मीर के जम्मू में मांडा है, वहां पर चेनाब नदी बहती है, वहीं पर यह स्थित था। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ रहा है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन आपके सामने है, चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु, उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या होगा जवाब सोच के बताइए। आपने मार्क कर लिया, चलिए ऑप्शन बताता हूं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सतलज। सतलज के किनारे ही रोपड़ था, और रोपड़ कहां था, किस राज्य में था ये बताइए आप, ये पंजाब में था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 सामने आ रहा है। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, यानी ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। सोचिए क्या होगा। इसका जवाब है दोस्तों आंसर नंबर डी, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी आद ऐतिहासिक काल। क्यों ऐसा है? क्योंकि प्रोटो हिस्टोरिक में क्या है, कुछ रिटर्न प्रूफ भी मिले हैं और कुछ एक्सकवेशन मतलब खुदाई से भी मिले हैं। तो जो जहां पर सिर्फ खुदाई है, लिखित कुछ भी नहीं है, उसको कहते हैं हम लोग प्री हिस्ट्री। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कुछ लिखावट भी मिली है सील पर, और कुछ एक्सकवेशन से भी मटेरियल प्राप्त हुआ है, तो दोनों से प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? कौन सा ऐसा जगह है जहां पर कुआं का अवशेष मिला हुआ है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सोचिए क्या होगा जवाब। आपने मार्क कर लिया जी, इसका मैं जवाब बता रहा हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में कुएं के अवशेष मिले विकसित अवस्था में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, 13 आपके सामने आ रहा है। रंगपुर, जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, है। रंगपुर कहां पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है? ये रहा ऑप्शन आपके सामने, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। सोचिए। आपने मार्क कर लिया जी, इसका मैं जवाब बताता हूं। इसका जवाब है सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र तो राज्य है नहीं,
भारत में जी, ये सौराष्ट्र इसकी डिमांड हो रही है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के सौराष्ट्र रीजन जहाँ पर पानी की काफ़ी समस्याएं रहती है, तो ये सौराष्ट्र में पड़ता है रंगपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, इंचार्ज कौन थे जो वहाँ पर खुदाई चल रही थी? ऑप्शन आपके सामने है, लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टाड, इनमें से कोई नहीं, ये उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा जवाब, सोचिए, आपने मार्क कर लिया, इसका जवाब बताता हूं। इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल, ये इनके इंचार्ज थे, प्रभारी थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो कोई ऐसा एक पशु आकृति मिला होगा जो कि मेसोपोटामिया में भी मिला होगा, जिससे ये पता चलता है कि हाँ भाई सिंधु घाटी के साथ इनका व्यापार चलता था, तो कौन सा ये पशु की आकृति है? ऑप्शन आपके सामने, घोड़ा, गधा, बैल, हाथी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। क्या होगा जवाब, सोचिए, आपने मार्क कर लिया, इसका जवाब मैं बताता हूं, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैल। बैल की आकृति ऐसी पशु, ये सबसे ज्यादा मौसम यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा मिलता भी है, और मेसोपोटामिया में भी इसके प्रमाण मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? मतलब इसमें से कुछ होंगे समुद्र पर होंगे और कुछ होंगे समुद्र पर नहीं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ऑप्शन आपके सामने है, सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोट दीजी, या कोई नहीं, या एक से अधिक। क्या होगा जवाब, सोचिए, आपने मार्क कर लिया जी। चलिए मैं आपको जवाब बताता हूं, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी। कोट दीजी समुद्र के किनारे नहीं था, बाकी सुरकोटदा, लोथल और बालाकोट तीनों पोर्ट था, तीनों समुद्र के किनारे की जगह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहड़ा और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? मतलब ऐसा कौन सा था पशु जिसका कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है, कहीं भी मोहर नहीं मिला हुआ है, ना ही टेराकोटा की कलाकृति मिली है? ऑप्शन आपके सामने रहा, शेर, हाथी, गेंडा, बाघ, कोई नहीं उपयुक्त में से, या एक से अधिक। क्या होगा जवाब, सोचिए, आपने मार्क कर लिया जी। मैं आपको जवाब बताता हूं इसका, इसका सही जवाब होगा शेर। शेर का कोई प्रमाण नहीं मिला है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने आ रहा है, ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? देखिए यहां पर थोड़ा मिस्टेक है, इसको साथ नहीं साक्ष्य समझिए, मतलब प्रूफ मिला हुआ है। युगल सावधान मतलब कि दो दो कम से कम दो लाश को दबाया गया वहां पर। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन आपके सामने है, लोथल, कालीबंगा, बनावली, हड़प्पा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा जवाब, सोचिए जी, आपने मार्क कर लिया। चलिए मैं इसका जवाब बताता हूं, इसका इसका सही जवाब है दोस्तों लोथल। लोथल में ही युगल समाधान मतलब एक से ज्यादा सबको दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ मिला हुआ है, कौन से जगह से मिला हुआ है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनावली, रोपड़, कोई नहीं, या एक से अधिक। क्या होगा जवाब, सोचिए जी, आपने मार्क कर लिया। चलिए इसका जवाब मैं बताता हूं, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैमाबाद। दैमाबाद में ही हड़प्पा के समय में तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 आपके सामने आ रहा है। प्रश्न नंबर 20 ये आपके सामने
आंसर, हड़प्पावासी लेपिस लजुली का आयात कहाँ से करते थे? लेपिस लजुली एक पदार्थ होता था जिसका कि इंपोर्ट करते थे हड़प्पावासी, कहाँ से करते थे वो? हिंदू का क्षेत्र के बदख्शां से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से, कोई नहीं, एक से अधिक, सोचिए। आपने जवाब दे दिया, चलिए मैं इसका ऑप्शन सही बताता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब होगा, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से मिला है लेपिस लजुली के आयात करने का प्रमाण। चलिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है आपके सामने, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं कौन कौन से हैं? इसमें से देखिए, इसमें से कोई एक होगा, एक से अधिक। ऑप्शन आपके सामने है, मुंडीगाक, सर्वोगोई, सुरकोटदा, देहमोरा, सिंघु डई, या उनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। क्या होगा दोस्तों सही इसका जवाब, सोचिए। आपने मार्क कर लिया, इसका सही जवाब मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ई, क्योंकि सी को छोड़ करके, सी सुरकोटदा ये पड़ता है कच्छ गुजरात में, बाकी ये तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीनों अफगानिस्तान में, मुंडीगाक, सर्वोगोई और देहमोरा सिंघोई। तो ये जो सुरकोटदा है ये नहीं है अफगानिस्तान में, बाकी तीनों है, तो कौन सा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ रहा है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, मतलब समुद्र के किनारे थे, ये जवाब आपको बताने हैं। ऑप्शन आपके सामने रहा, लोथल, सुतका गेंडर, अल्हादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी। सोचिए समुद्र के किनारे मतलब बंदरगाह थे ये सर, कौन कौन से? आपने मार्क कर लिया, चलिए इसका ऑप्शन बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ये सभी शहर जो थे ना वो बंदरगाह शहर थे, ठीक है, तो सभी इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ रहा है, मोहन जोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आद्य शिव जिसको प्रोटो शिव कहते हैं, मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, कौन कौन से जानवरों का उसमें अंकन हुआ है? व्याघ्र जिसको बाघ कहते हैं, हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या होगा जवाब, सोचिए। आपने सोच लिया, मार्क कर लिया, चलिए इसका सही जवाब बताता हूं, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें सभी जानवरों के प्रमाण वहां पर मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ रहा है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, मतलब डांसिंग गर्ल की मिली है कांसा की मूर्ति, कौन से जगह से मिली है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, बनावली से, या ऑप्शन नंबर ई होगा, सोचिए। आपने सोच लिया, इसका सही जवाब दोस्तों मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन जोदड़ो से ही डांसिंग गर्ल प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ रहा है, किस सिंधु घाटी सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन रहा आपके सामने ये, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्हुद्रो, लोथल। क्या होगा जवाब, सोचिए दोस्तों। इसका सही जवाब है चान्हुद्रो। मैं पूछूं आपसे कि ये कहां पड़ता है चान्हुद्रो, तो क्या जवाब देंगे? जी ये सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए हम लोग 50% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 25 क्वेश्चन और बाकी 25 प्रश्न हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आ रहा आपके सामने, इसमें कहा जा रहा है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर, मतलब कोई बर्तन है, वेश है, उस पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पैर के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी के कहानी के सादृश्य, जो कि एक याद दिलाता है कि पंचतंत्र में जो लोमड़ी की कहानी है बिल्कुल वैसा ही मिलता है। ऑप्शन ये आपके सामने, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या होगा जवाब, सोचिए।
आपने मार्क कर लिया। चलिए इसका जवाब बताता हूँ, इसका सही जवाब है दोस्तों सी लोथल, जो कि एक सी पोर्ट था। कहाँ पर था ये? गुजरात में पड़ता है, तो इसका सही जवाब होगा लोथल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, भारत की आजादी के बाद कौन से राज्य में सबसे अधिक इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा युगीन स्थल की खोज हुई है? ऑप्शन रही आपके सामने, गुजरात, राजस्थान, पंजाब हरियाणा या उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन नंबर ई होगा। सोचिए, आपने मार्क कर लिया है। चलिए इसका जवाब मैं बताता हूं, इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद सबसे ज्यादा वहां पर स्थल की खोज हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो कौन सा फसल होगा जो कि नहीं की जाती होगी, बाकी की जाती होगी? तो ऑप्शन ये आपके सामने, जौ, दालें, चावल, गेहूं, कोई नहीं या एक से अधिक, क्या होगा जवाब? सोचिए, आपने मार्क कर लिया है। चलिए इसका जवाब बताता हूं, इसका जवाब है दोस्तों बी, दालें। इसका ऑप्शन है बी, दालें। दाल का यहां पर उत्पादन नहीं होता था, बाकी जौ, चावल, गेहूं का होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये इंग्लिश में है, मैं इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बोल देता हूं। 27.5 स्क्वायर मीटर का एक पिलर का हॉल मिला हुआ है, कहां पर मिला हुआ है? 27.5 स्क्वायर मीटर एक पिलर का हॉल मिला है, कहां मिला है? लोथल में, कालीबंगन में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, या कोई नहीं या एक से अधिक, सोचिए। 27.5 स्क्वायर मीटर का पिलर का एक हॉल मिला है, कौन सी जगह पर मिला है? लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? आपने सोच लिया, मार्क कर लिया। चलिए इसका जवाब मैं बताता हूं, इसका सही जवाब है दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ही ये 27.5 स्क्वायर मीटर का पिलर का एक हॉल का प्रमाण मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन जगह पर पत्थर काटकर रॉक कट आर्किटेक्चर मिला है? रॉक कट मतलब एक पत्थर को काट करके ही बनाया गया आर्किटेक्चर, कौन सा जगह है? कालीबंगन, धोलावीरा, कोट दीजी, अमरी, सोचिए। इसका सही जवाब है दोस्तों कोट दीजी। कोट दीजी में ये रॉक कट आर्किटेक्चर मिला है, सॉरी ये गलत जवाब बता दिया, धोलावीरा इसका सही जवाब है दोस्तों। इसका सही जवाब है धोलावीरा, धोलावीरा में ये मिला है, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 31 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन जगह पर बुल सील प्राप्त हुआ है? बुल जान रहे हम लोग, बैल, उसका सील प्राप्त हुआ है कौन से जगह पर, सोचिए। हड़प्पा, चनहुद्रो, लोथल, मोहनजोदड़ो, क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? इसका सही जवाब होगा, आपने मार्क कर लिया है। चलिए इसका जवाब बताता हूं, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, हड़प्पा। हड़प्पा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, ये कह रहा है हड़प्पा साइट बनावली कहां पड़ता है? बनावली किस राज्य में पड़ता है? ऑप्शन आपके सामने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा, या उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, क्या होगा जवाब? सोचिए, बनावली किस राज्य में पड़ता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, क्या होगा सही जवाब? चलिए आपने मार्क कर लिया, इसका सही जवाब होगा दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में पड़ता है बनावली। और यहां पर क्या मिला था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार बीपीएससी में प्रश्न में पूछ दिया था, बनावली में मिला था हल का, हल का, प्लाव का एक खिलौना मिला था बनावली में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने आ रहा है, विच हरप्पन साइट्स आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सिंधु? सिंधु नदी के किनारे कौन सा हरप्पा का शहर था? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर सिंधु नदी के किनारे बसा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चनहुद्रो।
तो इसमें कौन सा होगा सोचिए। आपने मार्क कर लिया, सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा था? हड़प्पा, मोहनजोदारो, कोट दीजी, चान्हुदारो, या एक से अधिक, क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब आपने मार्क कर लिया, इसका जवाब मैं बताता हूं, इसका जवाब होगा मोर देन वन। मोहनजोदारो बिल्कुल सिंधु नदी के किनारे था, कोट दीजी हाँ था जी, चान्हुदारो जी था, हड़प्पा नहीं था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 आ रहा है, 34वां प्रश्न आपके सामने है। हड़प्पा का जो लिपि है, हड़प्पन लिपि, वो किससे मिलता है? खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, द्राविड़ से, देवनागरी से, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा लिपि किससे मिलता जुलता है? खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, द्राविड़ से, देवनागरी से, या इनमें से कोई नहीं। आपने मार्क कर लिया, चलिए इसका जवाब मैं बताता हूं आपको। इसका सही जवाब है दोस्तों द्रविड़। द्रविड़ से इसकी, जो द्रविड़ लिखते हैं उससे इसका हड़प्पा की लिपि मिलती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लीड, लेड जो है सो कहां से आयात करते थे, कहां से इंपोर्ट करते थे? सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक, सोचिए। लीड, लेड का कहां से इंपोर्ट करते थे? सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, आपने सोच लिया? चलिए इसका जवाब बताता हूं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत से इसका आयात करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आ रहा आपके सामने। एक बटन साइज का सील मिला है, बटन साइज का सील मिला है, मोहर मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उस पर क्या चीज का आकृति बना हुआ था, क्या चीज का सिंबल था उसमें? ऑप्शन आपके सामने, फिर से प्रश्न समझिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन संस्कृति में एक बटन के साइज का सील मिला है, उस पर किस चीज की आकृति थी? मछली, स्वास्तिक, श्रीवास्तवा, टाइगर, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन। किसकी आकृति थी उसपे? मछली की, स्वास्तिक की, श्रीवास्तव की, टाइगर की, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक, सोचिए। आपने सोच लिया, चलिए इसका जवाब बताता हूं। इसका सही जवाब है दोस्तों स्वास्तिक। स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक किस तरह से रहता है? इस तरह से रहता है, ये देखा, इस तरह से रहता है स्वास्तिक का चिन्ह। ठीक है, तो इस तरह की आकृति मिली है कहां पर? हड़प्पा में, बटन साइज के सील पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। माला बनाने का वर्कशॉप कहां था, कहां पर मालाएं बनाई जाती थी? बीड, माला की जो मोतियां होती है, माला की जो एक एक जो होता है बीड, उसको कहां उसका वर्कशॉप था? लोथल, चान्हुद्रो, हड़प्पा, मोहनजोदारो, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, सोचिए। माला कहां पर बनता था? लोथल, चान्हुद्रो, हड़प्पा, मोहनजोदारो। चलिए इसका जवाब मैं बताता हूं आपको, आपने मार्क कर लिया है, चलिए इसका जवाब है दोस्तों ई, ई इसका सही जवाब होगा, क्योंकि एक से अधिक, मोर देन वन इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है, मतलब लोथल और चान्हुद्रो दोनों जगह पर मालाएं बनती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इंडस पीपल, राजस्थान से सिंधु घाटी के लोग क्या मंगाते थे, किस पर राजस्थान पर निर्भर थे, क्या चीज के लिए? टीन के लिए, चांदी के लिए, सोना के लिए, स्लेट के लिए, कोई नहीं, या एक से अधिक। राजस्थान पर सिंधु वासे किस चीज पर निर्भर थे, राजस्थान से वो क्या इंपोर्ट किया करते थे, मतलब निर्भर थे, मतलब सिर्फ राजस्थान में ही वो मिलता था, क्या चीज, सोचिए। टीन, चांदी, सोना, स्लेट, कोई नहीं, एक से अधिक, आपने मार्क कर लिया, चलिए मैं इसका जवाब बताता हूं दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि राजस्थान से टीन भी आयात करते थे और स्लेट भी आए, तो ये टीन, टीन और स्लेट, मतलब ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि सिंधु को, सिंधुवासी लोगों को मेलुहा के नाम से जानते थे। कहां के लोग सिंधु को, सिंधुवासी को मेलुहा के नाम से कहां के लोग जानते थे? कश्मीर के लोग, ओमान के लोग, मेसोपोटामिया के लोग, या तुर्कमेनिस्तान के लोग, या कोई नहीं, या एक से अधिक? सोचिए, मेलुहा के नाम से जानते थे सिंधुवासी को, कहां के लोग? कश्मीर, ओमन, मेसोपोटामिया या तुर्कमेनिस्तान? दोस्तों, इसका सही जवाब आपने मार्क कर लिया है। चलिए इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब है दोस्तों मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के लोग सिंधुवासी को मेलुहा के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 40 आ रहा है। आइवोरी स्केल, आइवोरी की बनी हुई स्केल कहां से मिली है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगन से, कोई नहीं, एक से अधिक? आइवोरी एक पत्थर होता है, उसी का बना हुआ है स्केल मापने वाला, कहां से मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, या कालीबंगन से? सोचिए, आपने मार्क कर लिया दोस्तों। चलिए इसका जवाब मैं बताता हूं। इसका सही जवाब है दोस्तों लोथल। लोथल जो कि गुजरात में एक सीपोर्ट है, वहीं से यह इसका प्रमाण मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न और रह गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हड़प्पा में जो स्केल बनता था वो किस चीज का बनता था? हड़प्पा में जो मापने वाला स्केल बनता था वो क्या चीज का बना होता था? आइवोरी का, शेल का, लकड़ी का, या ब्रॉन्ज का? सोचिए, आइवोरी का, शेल का, शेल होता है जो समुद्र में मिलता है शंख वगैरह का, लकड़ी का, या कांसा का? क्या चीज का है दोस्तों? सही जवाब है इसका, आपने मार्क कर लिया, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का स्केल हड़प्पा में बना होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। कुछ चूड़ियां होती थी जिसको कि क्ले से, मिट्टी से बना होता था, और उसका रंग होता था ग्रे, ग्रे से लेकर के ब्लैक कलर में होता था, ग्रे भूरा से लेकर काला कलर में, इसको स्टोन वेयर बैंगल कहा जाता था। ये कहां से मिला है? स्टोन वेयर बैंगल मतलब कह सकते हैं इसको पत्थर की चूड़ियां, जो कि क्ले से, मिट्टी से बनती थी, और उसका रंग कैसा होता था? भूरा से लेकर काला तक। कहां से मिली है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन? कोई नहीं, एक से अधिक? सोचिए, पत्थर जैसी चूड़ियां, मिट्टी से बनी हुई, भूरे या काली रंग की, कहां से मिली है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये हमें हड़प्पा से भी मिली है और ये मोहनजोदड़ो, ये दोनों जगह से मिली है। इसीलिए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा मोर देन वन, मतलब ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल 8 प्रश्न और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने ये रहा। सिंधुवासी कॉपर कहां से, तांबा कहां से आयात करते थे? बलूचिस्तान, दक्षिण भारत, अरेबिया, बिहार, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? सिंधुवासी तांबा का आयात कहां से करते थे, कॉपर का आयात कहां से करते थे? बलूचिस्तान, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, अरेबिया अरब से, या बिहार से? क्या होगा जवाब? कोई नहीं, एक से अधिक? आपने मार्क कर लिया, चलिए इसका जवाब बताता हूं। इसका जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसका सही जवाब है बलूचिस्तान से भी कॉपर का आयात करते थे, दक्षिण भारत से भी करते थे, और सऊदी अरब, अरेबिया से भी करते थे। तो ये तीनों जगह से करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? मोर देन वन, यानी ऑप्शन नंबर ई सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। हड़प्पावासी मरे हुए को किस दिशा में दफनाते थे? हड़प्पावासी के लोग जब डेथ करते थे तो डेड बॉडी को किस दिशा में दफनाया जाता था? नॉर्थ, साउथ, उत्तर दक्षिण दिशा में, ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम दिशा में, कोई भी पोजीशन में, या वो लोग दफनाते ही नहीं थे, कुछ और जला वगैरह देते थे, या कोई नहीं, या एक से अधिक? क्या होगा सही जवाब?
हड़प्पावासी मरे हुए को किस दिशा में दफनाते थे? दोस्तों आपने मार्क कर लिया, चलिए इसका सही जवाब बताता हूं। इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तर दक्षिण दिशा में, नॉर्थ साउथ दिशा में इसको दफनाते थे। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने आ रहा है। ऐसा कौन सा जगह है जहां पर साइटाडेल मिला ही नहीं है? साइटाडेल और लोअर टाउन होता था ना, दो जगह में बटा हुआ शहर, तो साइटाडेल जहां पे ऊंचा जगह होता था कहां पे नहीं मिला है? चानुद्रो, हड़प्पा, मोहनजोद्रो, सुतकाजेंडर, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। साइटाडेल अब्सेंट है, मिला ही नहीं है साइटाडेल, सिर्फ लोअर टाउन है। सोचिए, आपने सोच लिया? चलिए इसका सही जवाब बताता हूं। क्या इसका जवाब हड़प्पा है? जी नहीं, हड़प्पा में तो साइटाडेल था ही। मोहनजोद्रो है? जी नहीं, यहाँ तो था ही। सुतकाजेंडर है? जी नहीं, यहाँ तो साइटाडेल था ही। इसका सही जवाब होगा दोस्तों चानुद्रो, चानुद्रो में साइटाडेल नहीं मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने आ रहा है। एक जगह है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने सीमेंट्री एच से नाम से इसको नॉमिनेशन किया हुआ, ये कहाँ पर है? मोहनजोद्रो, हड़प्पा, लोथल, रंगपुर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सोचिए सीमेंट्री एच कहाँ सिचुएटेड है? मोहनजोद्रो, हड़प्पा, लोथल, रंगपुर, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। आपने मार्क कर लिया, चलिए इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब है दोस्तों हड़प्पा, हड़प्पा में सीमेंट्री एच सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 47, 47वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। हड़प्पा में ऐसा कौन सा जगह है जहां पर साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन मिला है? साइन बोर्ड जैसा इंस्क्रिप्शन, मतलब साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन है, इसका मतलब है कि बड़े बड़े अक्षर उसमें होंगे, तो कहां पे मिला है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन, अमड़ी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सोचिए कौन सा ऐसा हड़प्पन साइट है जहां पर साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन मिला है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन, अमड़ी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आपने मार्क कर लिया है, चलिए इसका सही जवाब बताता हूं मैं। इसका सही जवाब है दोस्तों धौलावीरा, धौलावीरा में, क्योंकि यहीं पर बड़े आकृति के अक्षर मिले हैं, बड़े आकृति के स्क्रिप्ट मिले हैं, तो ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, केवल 3 प्रश्न रह गए दोस्तों। इनमें से कौन से जगह पर चावल के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा का ऐसा कौन सा जगह है इस चारों में से जहां पर चावल का प्रमाण मिला है, राइस का प्रमाण मिला है? चानुद्रो, मोहनजोदारो, लोथल, मुंडीगाक, कोई नहीं, एक से अधिक। सोचिए चावल का प्रमाण, चानुद्रो, मोहनजोदारो, लोथल या मुंडीगाक, क्या है सही जवाब दोस्तों? आपने मार्क कर लिया, चलिए इसका सही जवाब मैं बताता हूँ। इसका सही जवाब है दोस्तों लोथल, लोथल में चावल का प्रमाण मिला है। चलिए दो प्रश्न और, क्वेश्चन नंबर 49, 49वां प्रश्न आपके सामने है। हड़प्पा में जो ऊंट मिला है, वो जो ऊंट की जो हड्डियां मिली है, वो किस प्रकार का है, क्या एनिमल को दर्शाता है? ऐसा एनिमल जहां पर कोई हम्प, हम्प क्या आता है, पीठ के ऊपर में देखेंगे ऊंचा जैसा रहता है ना, तो वो एनिमल विदाउट हम्प, ऐसा ऊंट मिला है जहां पर हम्प था ही नहीं, वन हम्प्ड एनिमल, एक हम्प था, दो हम्प था, तीन हम्प था, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखेंगे जानवरों के पीठ पर ऊंचे जैसा टीला टाइप का रहता है, उसको हम्प कहते हैं। तो हड़प्पा में जो ऊंट का बोन मिला है, ऊंट का जो हड्डियां मिला है प्रमाण, उसमें कैसा, कैसे जानवर का प्रमाण, कैसे कैसी ऊंट थी यहां पर, क्या इसमें कोई हम्प नहीं था, एक हम्प था, दो हम्प था, तीन हम्प था, कोई नहीं, एक से अधिक। सोचिए, आपने मार्क कर लिया, चलिए इसका सही जवाब बताता हूं। इसका सही जवाब है दोस्तों दो, टू हम्प्ड एनिमल, वहां पर जो जानवर थे उसमें दो हम्प थे। अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों कि चान्हुदारो में क्या मिला है प्रमाण के रूप में, चान्हुदारो में क्या मिला है? ब्रॉन्ज मॉडल ऑफ कार्ट, एक बैलगाड़ी मिली है ब्रॉन्ज का, क्ले मॉडल ऑफ फोर व्हीलर, चार पहिया मिला है मिट्टी का बना हुआ, ब्रॉन्ज मॉडल ऑफ रूप्ड चैरियट, एक ऐसा रथ मिला है
जो छत उसमें रथ पर छत था और वो ब्रॉन्ज का था, वो मॉडल मिला है। फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर मतलब कोई घिरी हुई आकृति मिली है, शहर जैसे होता है उसकी बाउंड्री बनी होती है, वो मिला है। क्या होगा सही जवाब? चान्हू दारो, एक ऐसी बैलगाड़ी ब्रॉन्ज मॉडल, एक ऐसी चारपाइया मिट्टी का मॉडल, एक ऐसा रथ जो कि छत था उस पर ब्रॉन्ज का, या चारों तरफ शहर घिरा हुआ, क्या मिला है? आपने सोच लिया? चलिए इसका जवाब मैं बताता हूं। इसका जवाब होगा ई, मोर देन वन इसका सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज मॉडल ऑफ कार्ड बैलगाड़ी मिली है ब्रॉन्ज की, क्ले मॉडल मिला है व्हीलर का, फोर व्हीलर का, और एक रथ भी मिला है, लेकिन ये फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है वहां पे दोस्तों। वो जो सर था चानुदारो, उसमें कोई भी घेरेबंदी नहीं की गई थी। तो ये रहा हमारे 50 प्रश्न। अब आप काउंट कीजिए कि आपने कितने सही जवाब बनाए हैं, काउंट कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, काउंट कर दिया आपने। अब क्या कीजिए? उम्मीद करता हूं कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा होगा। नहीं रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप रिवीजन कीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये मैंने आसान प्रश्न को बिल्कुल छोड़ दिया था। इससे बहुत आसान आसान प्रश्न भी आते हैं, मैंने आसान प्रश्न को बिल्कुल एलिमिनेट करके थोड़े डिफिकल्ट और थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न डाले हैं। तो यदि आपका परफॉर्मेंस नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप मेहनत करते रहिए, इसी तरह के वीडियोस आप कमिंग डेज में देखेंगे। अब कुछ ही दिनों में मैं करंट अफेयर्स का एक वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें 30 प्रश्न रहेंगे, आप उसको भी अटेम्प्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में, और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन होगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।